कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ। उस रेसिपी का नाम है चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही यमी बनके तैयार होता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए आप डिनर में बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को, करते हैं स्टार्ट। यहाँ देख सकते हैं हमने चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हाफ के जी चिकन ले ली, जिसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, उसको यहाँ रख लिया है। हाफ कप दही, दो अदर टमाटर, मजीद चीज़ उसमें ऐड होंगी, वो स्टेप बाय स्टेप को गाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। जग के अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, यहाँ देख सकते हैं हमने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करेंगे हम दही, हाफ कप दही, दो अदर टमाटर, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। टमाटर दही को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया, इसको निकालते हैं एक बॉल के अंदर। पहले बॉल के अंदर हम इस पेस्ट को निकाल लेंगे। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने कोट लिया, कोट के अंदर हमने हाफ कप ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो क्या चीज़ ऐड करते हैं आपको बताते हैं। देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करेंगे हाफ के जी। चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं ऑयल के साथ, एक से दो मिनट तक अच्छी तरीके से हम करेंगे फ्राई। यहाँ देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इसको निकालते हैं एक बॉल के अंदर। हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, इसको एक बॉल में हमें निकाल लिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आपको बताते हैं। जिसके अंदर हमने फ्राई की थी इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे एक कप स्लाइस में कटी हुई प्याज, इसे अच्छी तरीके से हम करेंगे फ्राई। यहाँ देख सकते हैं ऑयल के साथ हम प्याज को अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, इसके अंदर हम ऐड 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम टमाटर और दही का पेस्ट। दही का पेस्ट डाल के हम इसे अच्छी तरीके से करेंगे कुक। यहाँ देख सकते हैं टमाटर और दही का पेस्ट डाल के हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हम स्पाइसी इसमें डाल दिए, इसे मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ देख सकते हैं हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही भी पानी रिलीज करता है और टमाटर भी पानी रिलीज करते हैं, इसी के अंदर ये अच्छी तरीके से मसाला भुन जाएगा। मसाला भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ देख सकते हैं चिकन टिक्का मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें, इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई हुई हुई चिकन, इसके साथ भी हम इसे मजीद भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ही बनके तैयार होता है चिकन टिक्का मसाला। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी, ताकि चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। हम मिक्स करते हैं और उसे लो फ्लेम पे कुक करते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। 10 मिनट के ब्रेक कर फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। यहाँ देख सकते हैं चिकन टिक्के मसाले को हमने कवर कर दिया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के ब्रेक कर फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। यहाँ देख सकते हैं चिकन टिक्के मसाले को 10 मिनट हो चुके हैं, हमने चिकन गलने के लिए रखी थी। अब इसका कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से भुन चुकी है, चिकन टेंडर भी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त में तो खुशबू आ रही है, मज़ेदार, बहुत जायकेदार। इसका मसाले के अंदर हम देंगे कोयले का स्मोक, इसके बगैर चिकन टिक्का मसाला अधूरा है। यहाँ देख सकते हैं हमने कोयला इसमें ऐड कर दिया है प्याली के अंदर। अब इसमें हम ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत ऑयल और इसमें हम देंगे 5 मिनट का कोयले का स्मोक। अब हम इसे कवर करके रखते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक इसके अंदर शामिल हो जाए। फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। चिकन टिक्का मसाले को 5 मिनट हो चुके हैं, कोयले का स्मोक दिए हुए, अब इसका हम कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। अल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। ये हम कोयले को रिमूव कर देंगे, चिकन स्मोक हो चुका है कोयले का। इसमें हम ऐड करें बारीक कटा हरा धनिया, जो हर रेसिपी को 4 चांद लगाता है। हरा धनिया इसमें हमने ऐड कर दिया, इसको इसे हम मिक्स करते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, इसे डिश आउट करने के दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। यहाँ देख सकते हैं चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। इसे हमने गार्निश करा बारीक कटा हरा धनिया के साथ, जो हर रेसिपी को 4 चांद लगाता है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।